प्यारे दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के एक अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कैलेंडर। कैलेंडर से एग्जाम में, हर एक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन रहता है। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे आरएस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 4। तीन हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, तीन नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करेंगे। तो इसमें कुछ याद करने की बात नहीं है, इसमें सिर्फ याद रखेंगे। 400 का 400 आएगा तो उसका रिमाइंडर 0 रखेंगे, 300 आएगा तो उसका रिमाइंडर 1 रखेंगे, 200 आएगा तो उसका रिमाइंडर 3 रखेंगे, 100 आएगा तो उसका रिमाइंडर 5 रखेंगे। चलिए क्वेश्चन चौथा नंबर चालू करेंगे आरएस अग्रवाल का। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 26 जनवरी 1950 को भारत वर्ष गणतंत्र दिवस घोषित हुआ, यानी गणतंत्र घोषित हुआ था, वह दिन सप्ताह का कौन सा दिन था। कहने का मतलब 26 जनवरी 1950 को हम लोग जानते हैं भारत गणतंत्र हुआ था, तो उस दिन सप्ताह का कौन सा दिन था, उस दिन कौन सा दिन था जिस दिन हमारा देश गणतंत्र हुआ था। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सॉल्व करेंगे। तो जिस प्रकार हम स्टेप चलेंगे उस प्रकार आप लोग देखिएगा और समझिएगा। तो 1950 साल चल रहा है, तो 1900 लिखेंगे, 1900 प्लस क्या लिखेंगे, 50वां साल चल रहा है, एक घटा लेंगे 49 लिखेंगे। इसमें क्या करेंगे, इकाई की शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष में 400 से डिवाइड किया जाता है, और इसमें इस साल है तो इसमें 4 से डिवाइड करेंगे। तो इसमें इसमें क्या होगा, 4 चौक 1600, 1700 1800 1900, 300 हो गया, 300 लिखेंगे। इसमें कैसे रूल है, तो इसमें नियम होता है 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 चौक 48, तो यहाँ लिखेंगे 12 प्लस क्या लिखेंगे, 49 भी लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे यहाँ जनवरी फरवरी लिखते जाएंगे, तो मार्च अप्रैल जो भी हो, तो जनवरी ही है तो 26 जनवरी लिखेंगे, हो गया। इसमें क्या करेंगे, इसमें से सभी को जोड़ के 300 डिवाइड करेंगे। अब देखिए, अब आप लोग को कुछ देर पहले बताए थे 400 का रिमाइंडर 0 होगा, 300 का रिमाइंडर 1 होगा, 200 का रिमाइंडर 3 होगा, और 100 का रिमाइंडर 5 होगा। तो हम लोग यहाँ आए हैं 300, तो 300 का रिमाइंडर क्या होता है, 1, तो 300 का रिमाइंडर क्या लिखेंगे, 300 का रिमाइंडर लिखेंगे 1। उसके बाद इसमें 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो गया, 7 5 12 5 हो गया। इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 21 21 5 26 हो गया। अब इसमें डिवाइड करेंगे 5 5 10 1 11, 11 में 7 से डिवाइड करेंगे, 7 4 11 4 4, अब जानवे करते हैं, 1 सोमवार 2 मंगलवार 3 बुधवार 4 बृहस्पतिवार, तो आंसर हो जाएगा बृहस्पतिवार। आई होप आप लोग का समझ आया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।